बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के गरीब मुसलमानों, बता दो कि तुम जान सिंह किन के हो? तुम तो मोहम्मद बिन कासिम के औलाद हो, तारिक बिन ज़ियाद की लड़का हो। तुम्हारे तो इस्लाम के पास आते हुए दुश्मन काम देख कर जाता, उनके गाली तो खुद को देख कर भी संजय करता था। इस्लाम की शेर हो तुम्हारे तो इस्लाम की तकबीर नहीं, बेबस मुसलमानों की शक्का हो आपका कजाब थी। इस धरती की मानो नहीं चोना के बिताने का इंतजाम में भारतीय मुसलमान प्रेम को पकचोवा दिए। याद करो MM आलम और मेजर अजीज भट्टी इसी धरती के सपूत थे, जिन्होंने मक्का हिंदू बनने को सिर्फ 17 दिन में वापस लौटने में मजबूर कर दिया। तो उड़ो अपने इस्लाम के ताला कर दो, उड़ो ताबूत अंसार रहा दो। तुम दिल्ली के हुक्मरानों को ऐसे सबक सिखा दो, हिंदुस्तान के ऊपर मारो जियाद का तबान जा, इनका शमशान घाट अपन सारे हिंद को बना दो, इन्हें कासिम के मार्गों की याद तुम दिला दो। ये भी रस्ते में समंदर तुम डालो, मिंदी ताबूत में आखिरी किल तुम गाड़ दो, और याद करा दो इन हिंदुस्तानियों को कि तुम अल्लाह की तलवार हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी के औलाद हो। साबित कर दो कि तुम भी अभी अपने बुजुर्गों का खून दौड़ता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे इस्लाम से गद्दारी नहीं की, तुम्हारा खून अभी भी गर्म है। जिम्मेवार नहीं, उड़ो अपने गर्म खून से अपने इस्लाम की नई तारीख रकम कर दो। अल्लाह के शेरो तुम जानते हो ना शेर की एक दिन की जिंदगी इधर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। आज तुम्हें अपने जज्बात को जिंदा करने और सरजमीन हिंद पाकिस्तान को जिंदा गुआने की जरूरत है, और अगर तुम्हारा असल प्लान है तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हमारे वतन का दिफा नकाबले तस्खीर हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से देखने की जरूरत न कर सकेगी। तो शहीदों की औलाद उड़ो और करोड़ों संख्या औलाद को इसका मुकाम याद दिला दो, और बता दो शैतान की बेटी को बंदर की औलाद पूरा तेरा कभी भी अरमान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। तेरे दिन की बात कुतिया तेरे मुंह में खाक, भारत माता का किस्सा भी कर डालेंगे पाक। मरे सगीर में नेहरू जैसा फिर पैदा शैतान ना होगा, राजा गाइड डाकू और पृथ्वी जैसे कई सरदार, वो हरी गजनवी और कासिम ने कर डाले मुद्दा। मुजाफरात की मेजों पर अब कोई पैमान ना होगा, पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। शैतान की बेटी सामने आकर कारी जरबैन याद करो, वो सनम गदों से उठने वाली आखिरी चीज याद करो, तारीख नबी से दोहराए जो हमारा वो मुसलमान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। पूछो अपने पुरखों से इस्लाम की तूफानी चाल, कैसे तुमने बुला डाले अपनी गुलामी के हजारों साल। अब न रहेगा मंदिर कोई और कोई रुमान ना होगा, पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। कलकत्ता और गुजरात के हमने सारे कष्ट काने हैं, हिंदू मत के दहशत गर्द सूली पर लटकाने हैं, आखिरी मौके में पीछे कोई पी और जवान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। हिंदुस्तान की जानिब सुन लो फिर अपनी तैयारी है, तकबीरों से गूंजने वाली और जो वापस आ रही है, बनिए तेरे हिंदू मत का बाकी नाम शान ना होगा। पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा। करके क्या तुझे मंगरिया लौड़ी तुझे बनाएंगे, तुझसे होने वाली नस्लों को सबक ऐसा सिखाएंगे, बंद करके तेरी बोली तिदिक निगरना चाहेंगे, खाएगी तू हमसे छिता चेना कौन चने चुपवाएंगे। भगवान की पूजा करने वालों बाकी तुम्हारा नाम निशान ना होगा, पाकिस्तान रहेगा जिंदा लेकिन हिंदुस्तान ना होगा इंशाल्लाह।